ग्राम समाज की जमीन पर कूड़ा डालकर ग्रामीण दे रहे बीमारियों को दावत। ब्लॉक मूंढा पांडे की ग्राम पंचायत कर्णपुर में ग्राम समाज की खाली जमीन पड़ी है, जिसमें ग्रामीण अपने घरों का गंदा कूड़ा ग्राम समाज की जमीन में डालकर उसे कूड़ा घर बना दिया है, जिसकी शिकायत कुछ ग्राम वासियों ने ब्लॉक अधिकारियों से की है। ग्रामीणों का कहना है कि हमारी जो ग्राम पंचायत है उसमें लगभग आधा बीघा जमीन ग्राम समाज की है। हम चाहते हैं कि इस ग्राम सभा की जमीन पर साफ सफाई कराकर इसमें पास पड़ोस के ग्रामीणों की सुविधाओं के लिए सरकारी अस्पताल सरकार द्वारा बनवाया जाए, ताकि फिर द्वारा गांव के लोग इस जमीन पर गंदगी ना कर सके। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जो वर्तमान प्रधान है वह नहीं चाहते कि इस ग्राम सभा की जमीन पर कोई भी कार्य सरकार द्वारा ग्रामीणों के हित में हो। ग्राम प्रधान ग्राम सभा की जमीन पर कब्जे की नियत जमाए बैठे हैं, जिसकी शिकायत ग्राम वासियों ने आला अधिकारियों से भी की है। मेरा नाम थरासत अली, देव करनपुर में। अच्छा, ये जो गंदगी है इससे क्या क्या परेशानी है आप लोगों को? इससे तो बहुत परेशानी है सर, हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं इनसे। रात को नींद नहीं आती, मच्छर बहुत लगते हैं यहाँ पे, बीमार हो जाते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशानी है इससे। कितने समय से गंदगी है यहाँ पर? ये तो बहुत समय हो गया। किसी अधिकारी से शिकायत की आपने? शिकायत की थी, कोई सुनवाई नहीं हुई। आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं सर सफाई हो जाए इसका। ये किसी की अपनी संपत्ति है या? नहीं नहीं, ग्राम समाज है सर जी, ग्राम करणपुर का ही निवासी हूँ। सर, ये जो गंदगी है काफ़ी समय से हम देख रहे हैं यहाँ पर, इससे बच्चे बीमार वगैरह और तमाम बीमारियाँ हैं इसमें, इससे कोई परेशानी नहीं आती आप लोगों को? सर, परेशानी तो बहुत ज़्यादा आती है, और नॉर्मली हम एक आम नागरिक हैं तो हमारा ये कर्तव्य भी होता है। और बीच बीच में मैंने जो है पोर्टल के माध्यम से भी, GRS जो पोर्टल है स्टेट गवर्नमेंट का, उस पर भी मैंने शिकायत दर्ज की है, बट कोई बहुत अच्छा रिलीफ नहीं मिल पाया कभी भी, क्योंकि सिर्फ आश्वासन दिला दिया गया। और आश्वासन तो आप जानते ही हैं, जैसे कभी ब्लॉक स्तर पर सचिव वगैरह जो भी कर्मचारी हैं उन्हीं के पास आता है, वो गाँव की मिली भगत से, आप, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, है ना, जो भी पंचायत के लोग होते हैं उन्हीं की मिली भगत से वो जो है रिपोर्ट आगे लगा दी जाती है। और पिछली बार भी डेंगू का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा था हमारे गांव में, काफ़ी लोग बीमार भी रहे थे और एक दो डेथ भी हुई थी मेरे गांव के अंदर इसी गंदगी की वजह से। और ऐसा ये नहीं है, बल्कि गाँव का मेरा और हिस्सा भी, अगर चलेंगे आप मेरे साथ तो मैं वो भी दिखाऊँगा आपको, जो अगला पार्ट है वो इससे भी गंभीर है। सर, ये किसी की निजी संपत्ति है या ग्राम समाज क्या है? ये जो है ये ग्राम सभा की ज़मीन है सर, ये किसी की भी पर्सनल संपत्ति नहीं है। गांव के ज़्यादातर लोग यहाँ कूड़ा डालते हैं और जिसका जैसा मन चाहे मर्जी है वो वैसा करता है, और हमारी आवाज़ जो है बहुत आगे तक नहीं जाती। सोशल मीडिया से कई बार, सोशल मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात को रखा भी है पहले भी, तो आपसे हमारा, आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन है कि हमारी बात को आला अधिकारियों तक पहुँचाया जाए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास भी पहुँचाया जाए और DM साहब जो भी हैं, मतलब जो भी आला दर्जे के अधिकारी। हम ये चाहते हैं सर कि अगर सफाई हो जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ जो है इतना अच्छा, लोग जो है अच्छे से रहन सहन कर नहीं पाते। जब ये सफाई होगी तो लोगों का जो है उनका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा, और आने वाला जो कल है उनका वो भी अच्छा होगा, क्योंकि दवाई जो है बच्चे वगैरह या जो भी, हम बड़े लोग भी हैं इसमें, हम भी आते हैं। अगर समझ लो कि जो ये गंदगी है, सरकार ने अपनी एक वो भी चलाई थी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आती थी ये सारी चीज़ें, स्वच्छ भारत अभियान बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है हिंदुस्तान में, लेकिन वो कागजी कार्रवाई पे है और दिखावा है। अगर ज़मीनी स्तर पे देखें हम लोग तो यहाँ जो है स्वच्छ भारत अभियान को कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, मैन मुखिया होता है गाँव का और उसी की जिम्मेदारियाँ होती हैं सब। जब जनता ने उसको चुना है तो फिर उसका भी ये रहता है कि वो आवाम के हक में जो अच्छे फैसले करें और अच्छा काम करें। प्रधान तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी है मौजूदा ना, मैंने कभी प्रधान से शिकायत नहीं की। मैंने जो भी अपनी बात रखी वो जो है पोर्टल पे ही जाके मैंने 10-76 के माध्यम से अपनी जो है रिपोर्ट लगाई है कई बार, और वहाँ से आश्वासन मिलता है। और एक दो किलो में बुरी बात बता दूँ आपको, एक जो है 10-5 लीटर लेके सैनिटाइज़र वगैरह करके टीम आती है और वो चली जाती है, हवा हवाई है और कुछ नहीं है सब।